ऋषि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी साधुपुर में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी ने दीप प्रज्वलित करके की। इस दौरान वहां के बच्चों को हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी की ओर से डिग्री दी गई और इस दौरान वहां बच्चों में एक अलग खुशी देखने को मिली। तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी साधुपुर में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान वहां के बच्चों को हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी की ओर से डिग्रियां दी गई। इस दौरान वहां बच्चों में एक अलग खुशी देखने को मिली। साथ ही वहां के बच्चों से हमारी संवाददाता नेहा वालिया ने भी खास बातचीत की। तो आज हम महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में है। कई सालों की मेहनत के बाद आज वो दिन आया है यहाँ के बच्चों के लिए जब कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, यानी कि दीक्षांत समारोह है। काफी खुश है बच्चे। बच्चों से जानेंगे कि इस दिन के लिए कितनी उन्होंने मेहनत की है और आज कितनी खुशी उनमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पीछे बच्चे इस वक्त हमारे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि काफी खुश है बच्चे। डिग्रीज उन्हें मिल चुकी है और इसी के साथ बच्चों से बात करते हैं। आज फाइनली डिग्री मिली है, सबसे पहले कितनी खुशी है? लॉट ऑफ इट, बहुत ज्यादा खुशी है। दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट फॉर मी। 5 साल में डिग्री पूरी हुई है, बहुत टाइम लगता है। एंड इट्स आर्किटेक्चर क्लोज 5 ईयर्स, बिग थिंग, बिग टाइम, थैंक यू सो मच। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, क्योंकि बहुत मेहनत कर ली है, 5 साल पूरे हो गए हैं, डिग्री मिल गई, अब आगे क्या क्या कुछ प्लान है? आई हैव ओपन माय ओन फर्म एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, सो दैट्स ऑल, आई एम डूइंग माय ओन जॉब। तो आपके फादर भी हैं साथ में? या कितनी खुशी हो रही है आज के दिन में? सॉरी, प्राउड डे फॉर मी। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद ये दिन आया, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैम आउट ऑफ वर्ल्ड। डिग्री मिली है कौन सी? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, काफी अच्छा लग रहा है। Cheers. तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? आप डिग्री मिल चुकी है, अब आगे के लिए क्या कुछ सोचा है? आगे के लिए कोई आईटी सेक्टर में ज्वाइन करना है, आईटी सेक्टर जाना है, तो उसके लिए मैं आगे के लिए करूंगा और एमटेक की तैयारी कर रहा हूं। अभी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का डिसीजन लिया हूं। तो काफी दिनों के इंतजार के बाद कह सकते हैं ये लम्हा आया है, ये मोमेंट आया है, तो कितनी खुशी है इसे लेकर? बहुत ज्यादा खुशी है और यही प्रे करते हैं कि आगे भी हम लोग तरक्की करें और जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट हो, और बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। तो ये जो दिन आया है, फाइनली डिग्री मिली है आज और बहुत खुशी है, और इसमें सबसे ज्यादा या फिर सबसे बड़ा सपोर्ट जो कहीं टीचर्स का होता है, टीचर्स के लिए कितने थैंकफुल हैं या क्या मैसेज टीचर्स को देंगे? इसका बहुत बड़ा रोल है, उससे ज्यादा आई विल से कि मेरे पेरेंट्स का है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है एंड फैमिली ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, सो आई वुड थैंक माय पेरेंट्स। कितने सालों की मेहनत की ये जो नतीजा आपके हाथ में? दिस इज 5 ईयर्स और टफ एंड वी कैन से टफ वर्क एंड एट लास्ट वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। The moment is very joyful and rememberable and we'll all miss our college life from now and start missing now. बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के साथ काफी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि 5 साल बहुत लंबा वक्त होता है। टीचर्स के लिए क्या कुछ विशेष देकर जाएंगे जाते वक्त? All teachers are very much good and my principal, she's the best for us and she helped us so much in our academic life and I feel blessed to take a guidance under the teachers and all. Thank you. तो सुना आपने, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स में भी बेहद खुशी है और काफी खुशी का माहौल है क्योंकि लंबी मेहनत के बाद, 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वो लम्हा आया है जब बच्चों को अपनी डिग्री मिली है, और इसी के साथ सभी बच्चों की खुशी आपके सामने हमने जाहिर की। कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ नेहा वालिया, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। तो दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने डिग्रियां बांटी और बच्चों को उनके भविष्य के लिए इस दौरान शुभकामनाएं भी दी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इस ट्रस्ट की स्थापना 1993 में हुई, तब से लेकर अब तक स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं। आज दीक्षांत समारोह था इस वर्ष का। इस दीक्षांत समारोह में जिनको उपाधि दी गई है वो सब बच्चे यहाँ पर उपस्थित थे, उनको बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं, और आज 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष के उत्कर्ष और उत्थान के लिए उनका क्या योगदान होना चाहिए, इसके लिए मैंने आह्वान किया है।
और मुझे उम्मीद है कि इस विश्वविद्यालय से पढ़ने वाले विद्यार्थी समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए कठोर परिश्रम करेंगे। तो राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी की ओर से आज MMU यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को डिग्रियां वितरित की गई हैं। साथ ही इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी खास बातचीत की हमारी संवाददाता नेहा वालिया ने। तो MMU यूनिवर्सिटी साधुपुर के वाइस चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। थैंक यू सो मच। तो सर, आज यहाँ पर कॉन्वोकेशन था और बच्चों में काफ़ी खुशी देखने को मिली, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा पूरा? देखिए, कॉन्वोकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक स्टूडेंट के लिए भी। हमें अपने दिन याद हैं जब कॉन्वोकेशन हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अटेंड किया था, तो बहुत अच्छा लगा। ऑनरेबल गवर्नर, उन्होंने समय निकाला, बहुत अच्छा बोले वो स्टूडेंट्स के लिए। हर एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ मेडागास्कर, इन्होंने समय निकाला। और मैं अपनी तरफ से शुभेच्छाएँ देना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि वो अपने यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू। सर, इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को कहीं ना कहीं मिलता है और साथ ही साथ प्लेसमेंट बच्चों की हो जाती है, तो अब आज कॉन्वोकेशन के बाद बच्चे काफ़ी खुश थे, उन्हें डिग्री मिली, अब आगे अगले लेवल पर वो बढ़ेंगे, तो इसी के साथ अब यूनिवर्सिटी के शिक्षा के स्तर को और बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? मेरी अपेक्षा है स्टूडेंट से कि जो उन्होंने ज्ञान यहाँ से अर्जित किया है उसको वो अपने फ्यूचर में यूज़ करें, हायर एजुकेशन के लिए जाएं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं और कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं आने वाले समय में। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स की हमने अप्रूवल ली है और फॉर्म डी के अंदर हम कोर्स अपना शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हालांकि थोड़ा नया है कैंपस, लेकिन जो फैकल्टी है यहाँ पे और जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, तो एक बहुत अच्छी जगह है स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए। तो हरीश कुमार शर्मा, वाइस चांसलर हमारे साथ है यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने बताया कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की यहाँ पर कोशिशें की जाएंगी और बच्चे जो कि यहाँ से सीख के जा रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि बच्चे उन्नति के पद पर चले और हमेशा तरक्की ही वो यहाँ पर प्राप्त करें। इसी के साथ कैमरा पर्सन बलविंदर के साथ मैं नेहा वालिया, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक मेडागास्कर के एम्बेसडर मारिया ल्यूनताइन की ने भी बधाई दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई'd लाइक टू थैंक द MM यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग इनवाइटेड मी टुडे टू अटेंड दिस फंक्शन। इट्स रियली अ ग्रेट हॉनर टू मी टू बी हियर एंड टू रिप्रेजेंट माई गवर्नमेंट टू दिस टुडेज इवेंट। So, the second thing, I would like to wish to express my best wishes for all the students who have been graduated today. I wish them success in their future life, and that great achievement also. And then I wish them luck in the future. और हरियाणा विशेष में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।